चंद्रपुर शहर महानगर पालिका और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में गोबर रूबेला लसीकरण मुहिम संबंध जन जागृति करने टू व्हीलर रैली चंद्रपुर शहर में निकाली गई। आयुक्त संजय काकड़े इनके हाथों टू व्हीलर रैली को हरी झंडी दिखाकर गांधी चौक से रैली की शुरुआत की गई। महापौर अंजलि घोटेकर, स्थायी समिति सभापति राहुल पावड़े, अतिरिक्त आयुक्त भालचंद्र बेहरे, विजय देवड़ीकर, वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अंजलि आंबटकर, चंद्रपुर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष शैलेश बागला और लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों ने टू व्हीलर द्वारा संपूर्ण शहर में लसीकरण मुहिम संबंध जन जागृति के। भारत में आज तक 21 राज्यों में गोवर रूबेला लसीकरण मुहिम चलाई गई है। महाराष्ट्र राज्य यह 22वां राज्य है। संपूर्ण भारत में 15 वर्ष के नीचे 49 करोड़ बालक, महाराष्ट्र में 3.50 करोड़ बालक तो चंद्रपुर शहर में 1.25 लाख बालकों को यह लस दी जाएगी। जैसे संपूर्ण भारत से पोलियो का निर्मूलन किया गया, साथ ही सन 2020 तक गोवर का उच्चाटन और रूबेला का नियंत्रण करने का शासन का मानस है। लसीकरण मुहिम में शासन स्तर पर लॉयंस क्लब सहकारी होकर मनपा और लॉयंस क्लब द्वारा संयुक्त तरीके से यह रैली निकाली गई थी। स्कूटर रैली द्वारा मिजल्स रूबेला मुहिम में नागरिकों ने सहकार्य करने का संदेश दिया। लसीकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नागरिकों को दी गई। गोबर रूबेला मुहिम की सफलता के लिए 9 महीने से 15 वर्ष के सभी बच्चों को लसीकरण किया जाए, ऐसा आग्रह शहर वासियों को किया गया। रैली में विविध प्रकार के स्लोगन लिखे बैनर सभी ओर दिखाई दिए। लसीकरण मुहिम की जानकारी देने वाला रथ तैयार किया गया था। 11 किमी के परिसर में शहर के सभी मुख्य स्थान और चौक द्वारा रैली का मार्गक्रमण हुआ। इस समय संपूर्ण भारत से मिजल्स और रूबेला बीमारी का उच्चाटन करने की केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका है। 100% लसीकरण करना यही अंतिम ध्येय होने से चंद्रपुर शहर के 15 वर्ष तक के स्कूल और स्कूल के बाहर विद्यार्थियों का 100% लसीकरण कर अपना शहर गोबर और रूबेला मुक्त करने चंद्रपुर वासियों ने सहकार्य करे, ऐसा आह्वान महापौर अंजलि घोटेकर ने किया। कार्यक्रम अवसर पर लॉयंस क्लब के विलास मुले, शैलेश बागला, अनु बागला, दिनेश बजाज, प्रकाश कोटेकर, विवेक भास्कर वार, कीर्ति साने, लक्ष्मीचंद कोठारी, अंजलि कुलकर्णी, सोहन गोयल, शैलेश रॉय, अंजू गोयल, वीरेंद्र शुक्ला, शकुंतला गोयल, अभिषेक बागला, सोनिया गुप्ता, विकास घटे, कविता अग्रवाल, निर्मल भंडारी और डॉक्टर गर्गेलवार, डॉक्टर जयश्री वाड़े, डॉक्टर विजया खेरा, डॉक्टर अश्विनी भारत, डॉक्टर नैना उत्तरवार, डॉक्टर नरेंद्र जनबंधु, साथ ही मनपा स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित थे। पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यांनी जेव्हा पंतप्रधान पदाची सूत्र हाती घेतली तेव्हा त्यांनी नारा दिला होता की स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आणि त्या अनुषंगाने आपला भारत निरोगी राहायला पाहिजे। भारतातले सगळे रहिवासी, मग युवा असो, महिला असो, बुजुर्ग असो किंवा मुलं असो, ते सगळे सुदृढ राहिले पाहिजे, त्यांना चांगलं आरोग्य मिळालं पाहिजे। याच्यामुळे यांनी एक MR ही लसीकरण एक लस काढलेली आहे। पहिले आपण गोवरची वेगळी लस द्यायचो आणि रुबेलाची वेगळी लस द्यायचो, पण आता MR म्हणजे मिसल आणि रुबेला ही लस ही एकच काढलेली आहे, जेणेकरून आपले 9 महिने ते 15 वर्ष वयाचे बालक बालिका यांना हे लसीकरण आपण करणार आहोत। आणि त्याच्या अनुषंगानं आज त्याचं जनजागृती व्हावी याकरिता लायन्स क्लब आणि महानगरपालिका यांच्या संयुक्त तत्वधानामध्ये आपण एक मोटरसायकल रॅली काढलेली आहे, ज्याच्यामध्ये सगळेजण आम्ही जनजागृती करत आहोत। चंद्रपूर रहिवाशांना मी आवाहन करते की आपली मुलं जे शाळेत जाणारे असतील, घरी राहणारे असतील, यांच्यासाठी ही गोवर आणि रुबेला ही लसीकरण आहे। कारण गोवरमुळे सुद्धा बालकांना अंधत्व येऊ शकते, अनेक रोग दुसरे पण होऊ शकतात, त्याच्यापासून बचाव करण्याकरता गोवरचं लसीकरण आणि रुबेला ही रुबेला सुद्धा त्याच पद्धतीचा रोग उत्पन्न करणारी आहे। पण गर्भवती स्त्रीला जर हा रोग झाला, रुबेला झाला, तर त्या गर्भावर खूप मोठा परिणाम होतो, गर्भपात होण्याची शक्यता असते, किंवा जर मूल जन्माला आलं तर ते कधी अंध होऊ शकते, किंवा त्याच्यामध्ये कुठलं ना कुठलं व्यंग निर्माण होऊ शकते। आणि त्या अनुषंगानं आपला नागरिक, आपला चंद्रपूरचा नागरिक हा सुदृढ राहिला पाहिजे, त्याच्यामध्ये सुद्धा चांगलं त्याला आरोग्य मिळालं पाहिजे, म्हणून MR चं लसीकरणची ही जनजागृती मोहीम सुरू आहे। आणि आतापर्यंत कमीत कमी 11.5
लाख करोड लोकांना भारतामध्ये लसीकरण झालंय. आपलं 21 राज्यामध्ये ही लसीकरण चालू आहे. आपलं महाराष्ट्र राज्य हे 22वं आहे. या 14 नोव्हेंबर पासून आपण हे लसीकरण सुरू करणार आहोत. मी आपल्या सुप्रसिद्ध चॅनलच्या माध्यमातून सगळ्या पालकांना आवाहन करते की शाळेतून हे लसीकरण होणार आहे. कृपया आपण सगळ्यांनी आपल्या बालकांना शाळेमधून ही लस इंजेक्शन हे टोचून घ्यावं, जेणेकरून आपलं मूल हे सुदृढ राहिलं पाहिजे. धन्यवाद. आज रॅली निकल रही है, वो रैली भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मीजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन के बारे में जो अवेयरनेस फैलाना है, जो 9 महीने से लेके 15 साल के बच्चों तक हम लोगों को एंटी मीजल्स और एंटी रूबेला वैक्सीनेशन के बारे में करना है. अभी तक ये प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 21 राज्यों में, देश के 21 राज्यों में लिया जा चुका है. महाराष्ट्र हमारा 22वां राज्य होने जा रहा है इस बारे में, और इस राज्य को, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. उसके अवेयरनेस करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है. धीरे धीरे नवंबर के महीने में यह प्रोग्राम होने जा रहा है. तब तक हम सारे स्कूल कॉलेजेस और सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये सारी जगह जाके इस बारे में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इसके बारे में लाभ पहुँचे उस बारे में चंद्रपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ में लायंस क्लब अपना जॉइंट वेंचर के रूप में ये प्रोग्राम लेने जा रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद.